तो गल करते हैं पंजाब कांग्रेस की, जिसने अपने 23 उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जो है वह जारी कर दी है। जी हाँ, कांग्रेस का एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला इस लिस्ट दे विच फेल हुंदा नज़र आ रहा है। कई आगुआ के रिश्तेदार टिकट दिती गई है, जिस दे विच नवजोत सिद्धू के भतीजे समित सिंह अमरगढ़ तो उम्मीदवार ऐलानिया गया। हरजिंदर पठल के जवाई विक्रम बाजवा सानेवाल तो टिकट मिली है। बटाला तो अश्विनी सेकड़ी वो टिकट लैण दे विच कामयाब हुए ने। फाजिलका तो मौजूदा विधायक दविंदर घुबाया, भोआ तो जोगिंदर पाल दे उत्ते मुड़ तो पार्टी ने भरोसा जताया। इसे तरह के नाल डेराबसी तो दिपिंदर ढिल्लों, मुक्तसर तो करण कौर बराड़ जो ने टिकट लैण दे विच कामयाब होए ने। आम आदमी पार्टी छड़ के कांग्रेस च शामिल होए आगुआं भी टिकटा जो ने दित्तियां गईयां ने। जगराओं तो जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल जो विधानसभा के ही आम आदमी पार्टी छड़ के कांग्रेस वाल चले गए सन, उन्होंने टिकट मिली है। फिरोजपुर देहाती तो आशू बांगड़ टिकट दिखेगी। 8 सीटों के उत्ते हाले भी रेड़का जो है बरकरार है। सो 23 उम्मीदवार का ऐलान कर दिता है। कुल कांग्रेस ने अपने 109 उम्मीदवार ऐलान दिए ने, हुण सिर्फ 8 उम्मीदवार बाकी रह गए ने। थानू दस दिए कि इस लिस्ट के 4 मौजूदा विधायकों की टिकट जो है वह कटी गई है। निर्मल सिंह शुतराणा, सुरजीत सिंह धीमान, सत्कार कौर गैरी, अमरीक सिंह ढिल्लों, इन्ह चार की टिकट जो है वह कटी गई है। इन्ह की थान पर कुछ नवे चेहरे जो कांग्रेस के सीनियर आगुआ के करीबी ने, रिश्तेदार ने, उन्होंने टिकट मिली है। नवजोत सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के भरा टिकट देने का विरोध करते रहे, पर अपने भतीजे उन्होंने टिकट दवा दिती है। इसको लैके भी सवाल चुके जा रहे हैं। रजिंदर कौर पठल अपने जवाई विक्रम बाजवा सानेवाल तो टिकट दवाने कामयाब रहे हैं। सो जोगिंदर पाल भोआ रिजर्व हल्के तो इन्हों टिकट मिली है। अश्विनी सेखड़ी बटाला, रमनजीत सिंह सिक्की जो कि मौजूदा विधायक ने खडूर साहब तो एक बार मुड़ तो पार्टी ने उन्होंने यकीन जताया है। डॉक्टर नवजोत दैया नकोदर तो, तरलोचन सिंह बंगा तो, विजय शर्मा टिंकू खरड़ तो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। राजा गिल समराला, कुलदीप सिंह वैद गिल हल्के तो, विक्रम बाजवा सानेवाल तो इन्हों मैदान उतारिया गया। जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल जो कि आप छड़ के आए सन जगराओं तो, आशू बांगड़ फिरोजपुर देहाती तो, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी छड़ी सी। विजय कालड़ा गुरु हर सहाय तो कांग्रेस के उम्मीदवार। दविंदर घुबाया जो कि फाजिलका तो मौजूदा विधायक ने, उन्होंने टिकट दिती गई है। तो करण कौर बराड़ मुक्तसर तो, अजय पाल सिंह संधु कोटकपूरा तो। सो ये लिस्ट है जो सामने आई है। दर्शन सिंह जैतों तो टिकट दिती गई है। जैब सिंह रटौल दड़बा, जसविंदर सिंह धीमान सुनाम तो टिकट लैण दे विच कामयाब होए ने। हरचंद कौर महल कला तो, समित सिंह जो कि नवजोत सिद्धू के भतीजे ने अमरगढ़ तो, दुपिंदर ढिल्लों डेराबसी तो, हरचंद कौर महल कला तो जो गल कर रहे हैं, क्योंकि महल कला तो यह कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी उत्थों की मैदान के उतर सकते हैं, 2 सीटा से चोण लड़ सकते हैं। वह भी मामला जो है वह पूरी तरह के खत्म हो गया। दरबारा सिंह शुतराणा तो मैदान के उतारिया गया, जबकि बिक्रम सिंह मोफर सरदूलगढ़ तो टिकट कांग्रेस वालों दी गई है। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने दे लई साढ़े सहयोगी रमन साढ़े नाल जुड़ गए ने। रमन, जे गल की जाए एक परिवार एक टिकट की गल, नवजोत सिद्धू करते रहे, होर भी आगू करते रहे, पर अपने परिवारक मैंबरों नूं उन्होंने टिकट दवा दिती है। जी गुरप्रीत, बिल्कुल एक जिहड़ा फॉर्मूला अपनाया गया सी कि एक परिवार दे विच एक व्यक्ति नूं टिकट मिलेगी, तां हुण नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों अपने भांजे जिहड़े हैगे ने समित सिंह नूं अमरगढ़ तों टिकट दवा के कितना ना कितें जिहड़ा एक कानून इन्हें अपने तौर टिकट बनाया गया कि एक परिवार को एक टिकट मिलेगी, उसकी तो जरूर उलंघना कर दी है। दूजे पास कांग्रेस वालों इतराज होना लाजमी है, क्योंकि अमरगढ़ तो जिन्हें भी देश के उम्मीदवार थे उन्होंने शिफ्ट करना पाया, उन्होंने सुनाम के शिफ्ट करना पाया, कितना कितने वो भी इतराज और वो भी जिहड़ा गुस्से का आने वाले समय के सामना करना पाया। तो दूसरे पास निर्मल सिंह शुतराणा तो विधायक थे, उन्होंने टिकट जी एक कट के दरबारा सिंह दे दी गई। जो एक अहम गल समराला सीट, समराला सीट तो आम अमरीक सिंह ढिल्लों जो लगातार 4 बार जीते ने और जिन्हां ते लोग भरोसा करते सी और जो एक काग नेता के तौर पर जाने जाता सी, और जो पिछली बार मुख्यमंत्री चुनने की गल हुई थी तो उस समय कहा गया कि अमरीक सिंह नूं वड्डी जिम्मेवारी कांग्रेस के मिलेगी, सरकार के मिलेगी, पर उन्होंने ना तो मिनिस्ट्री मिली और 2022 के उन्होंने टिकट भी कर दी गई है। और सब तो हैरानी की गल फिरोजपुर देहाती जिथे आशू बंगड़ जिहड़े आम आदमी पार्टी की टिकट छड के कांग्रेस के शामिल होए ने, तो उन्होंने भी टिकट दे दी गई है। एक जी सब तो अहम सीट अश्विनी सेकड़ी का जरा लगातार बटाला सीट का रौला पैंदा रहा और लगातार संगी जाखड़ इसका विरोध करते हैं, उस टिकट कितने नवजोत सिंह सिद्धू
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਚੋਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਜੀ ਰਮਨ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਪਿਤ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਰਮਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ।